जैसे बच्चा कोटा आता है, मैं देखता हूँ कि ड्रॉपर बनता जाता है, 3-4 साल प्रिपरेशन में दे देता है, कब तक ड्रॉप लेना चाहिए? स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बच्चे में आने लग गया सर, इसका आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? सर अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप कोटा का जो एजुकेशन कल्चर है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, तो सर वो क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप? कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे नीट और जेईई है, उसमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इनरोल करते हैं, बट सिलेक्शन कुछ ही को होता है, बट सर जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए बहुत खुशी की बात है, बट जिनका नहीं होता सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो गाइस अभी हमारे साथ हैं आशीष अरोड़ा सर। सर स्वागत आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। पहली बात तो सौभाग्य सर आपके साथ कॉफ़ी पीने का मौका मिल रहा है। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही था कि जैसा कि आप उस टाइम कोटा थे जिस टाइम कोटा का सिस्टम बिल्ड हो रहा था, लगभग 2001-2003 के समय में, सर उस टाइम की टीचिंग और अभी की टीचिंग में सर क्या फ़र्क नज़र आता आपको? अगर हम टीचिंग की बात करें, कोटा सिस्टम की बात करें, तो दो मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ती जाती हैं, अगर हम देखें तो कोटा सिटी पहले एक बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था। आज मैं देख रहा हूँ 20 साल बाद कोटा के अंदर सिग्नल फ्री सिस्टम है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी इवॉल्वमेंट होते हैं। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, टाइम के साथ बॉडी इवॉल्व होती है, एडेप्टेशंस चेंज होते जाते हैं और हमारी बॉडी ग्रो होती जाती है। तो उसी इवोल्यूशन के साथ अगर मैं बात करूं तो 2001-2003 और आज में कोटा में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कई गुना ज़्यादा हैं। टीचर्स पहले से सर्टेनली ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि कई सालों की वर्किंग के बाद टीचर की टीचिंग में निखार आता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों की संख्या कम से कम 40 गुना बढ़ गई है। तब पूरे कोटा में हम बात करें तो 3000 के आसपास बच्चे, 4000 के आसपास पढ़ाई करते थे, कोचिंग करते थे उस वक्त। आज लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं। सो इस स्थिति के अगर हम बात करें तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ा है कई गुना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम टीचिंग के साथ बच्चों की ग्रास्पिंग की बात करें तो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, एक दूसरे को देख के उस वक्त जो दिन रात बच्चे मेहनत करते थे, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक दूसरे को देख के डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस में ज़्यादा आ रहे हैं कि कई बच्चे आगे निकल रहे हैं, कई पीछे जा रहे हैं। तो आज जो कोटा में होना चाहिए था कि ज़्यादा बच्चे होने पे आज कंपटीशन लेवल बढ़ना चाहिए, बच्चों का मोटिवेशन का स्तर बढ़ना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सडनली कई, और मैं बच्चों से जब मिला हूँ पिछले एक हफ्ते में, तो कई बच्चों का लेवल इससे बढ़ा भी है, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और कई बच्चे दूसरों को देख के डीमोटिवेट भी होते हैं। तो 20 साल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, हर चीज़ आगे बढ़ी है, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन लेवल और मोटिवेशन फैक्टर की बात करें तो उस वक्त मैं कहूँगा मोटिवेशन का स्केल अगर 95 out of 100 था, तो आज वो कहीं ना कहीं कम होके मोटिवेशन फैक्टर 70 out of 100 हुआ है और स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा है। तो आई थिंक अगर सभी इंस्टीट्यूट और सारे टीचर्स मिलके कोशिश करें तो आई थिंक कोटा को कई गुना बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनाया जा सकता है। और सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बच्चे, तो ये मिलके एक ऐसी फैमिली एनवायरनमेंट में आने वाले टाइम में जो रिजल्ट्स बन सकते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल के ऊपर जा सकते हैं। सर आपने एक बात बोली कि अभी स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बच्चे में आने लग गया, सर इसका आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? स्ट्रेस फैक्टर का प्रैक्टिकली बात करें तो कोई रीज़न नहीं है जी। स्ट्रेस फैक्टर हमेशा इंडक्शन होता है, इंड्यूस होता है, स्ट्रेस कभी डाला नहीं जाता। परिस्थितियों में जब आप अपने कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती है, तो आप अपने अंदर एक प्रेशर डेवलप कर देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रेशर है जो आप खुद लेते हैं, तो वो इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो बच्चे जिस एक्सपेक्टेशन के साथ कोटा आ रहे हैं, कुछ महीने की पढ़ाई के बाद जब उनको लगता है कि उस आशा के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अंदर एक स्ट्रेस फैक्टर इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो टीचर्स टीच कर रहे हैं और जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में से ये फैक्टर पूरी तरह से जड़ से निकाल के फेंका जाए। तो अगर वो फैक्टर हटाया जाता है तो आई थिंक कोटा एक ऐसा आइडियल सिस्टम बन जाता है, जिसका हमने उस वक्त सपना भी देखा था 20 साल पहले कि कोटा एक ऐसा सिस्टम बनेगा। लगभग वैसा सिस्टम बन भी चुका है। ये जो थोड़ी सी माइनर नेगेटिव फैक्टर्स हैं स्ट्रेस वाले, पर इसको दूर करने में टीचर्स ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे टीचर को यहाँ कोटा ऐसी जगह है जहाँ भगवान मानते हैं। और अगर टीचर ने क्लास में पढ़ाते हुए जो बातें बोल दी बच्चे को
कि तुम्हारी अपनी लाइफ तुम खुद डिसाइड करोगे, तुम्हारी मेहनत और जुनून आपका करियर बनाएगा। नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, पूरी जान लगा के करो, सिलेक्शन होगा तो ठीक, नहीं होता है तो हम इससे बड़ा मकसद हासिल करेंगे। अगर ये उनका भगवान बोलता है, हर टीचर ये लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, तो आप ये मान के चलें कोटा से बड़ी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि एकेडमिक एनवायरनमेंट इस तरह का डेवलप हो रहा है। सर, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप कोटा का जो एजुकेशन कल्चर है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, तो सर वो क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप? एजुकेशन कल्चर ऑफ कोटा अगर मैं बात करूँ तो 20 साल पहले 2001-2003 में बंसल सर के साथ ज़्यादातर चीज़ों की नींव हमने रखी थी यहाँ पे, वही चीज़ें इवॉल्व होते हुए आगे बढ़ी, कई लोगों ने उसमें कई नई चीज़ें करी, और जब तक चीज़ें चेंज होती हैं, चेंज के साथ चीज़ें हमेशा ग्रो होती हैं। लाइफ का नियम है कि हर बार आप अपने अंदर जो अच्छाई वाली चीज़ें हैं उनको बड़ा करते हैं और बुराई वाली चीज़ों को कम करते हैं। तो मुझे लगता है कोटा आज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन साथ ही उससे ज़्यादा फेलियर स्टोरीज भी हैं जो हर जगह होती हैं, क्योंकि आज 20 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं तो सिलेक्शन कुछ हज़ार का ही होता है। तो जो फेलियर स्टोरीज हैं उनको स्टडी करके, उनके रीजंस ढूंढ के, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते उसको बेटर की तरफ ले जाया जाए और ऐसे चेंजेस किए जाएं कि उन फेलियर्स के रीजंस को ढूंढ के ख़त्म किया जाए। तो नए सिस्टम उस तरीके से बनाए जाने चाहिए। अगर मैं भी कोई सिस्टम बनाता हूँ तो वही सिस्टम बनाऊँगा कि यहाँ पर एक भी बच्चे के फेल होने का जो रीज़न है उस रीज़न को जड़ से निकाल के ख़त्म करें, और अगर वो IIT या नीट का सपना लेके आए, अगर वो नहीं हो पाया तो उससे बेटर करियर ऑप्शन में उसको एस्टेब्लिश करें और फाइनली अपनी लाइफ के मुकाम तक उसको पहुँचाएँ कि जो उसने सपना देखा है वो पूरा ज़रूर होगा, उससे बड़ा पूरा होगा, भले ही वो IIT या नीट से हो या किसी और करियर से हो, लेकिन उससे बड़ा पूरा ज़रूर होगा। सर, अभी आपने बोला कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे नीट और JEE है उसमें 20 लाख से ज़्यादा बच्चे इनरोल करते हैं, बट सिलेक्शन कुछ ही को होता है। बट सर, जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए बहुत खुशी की बात है, बट जिनका नहीं होता सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने साथ ही अभी एक बात और बोली, अगर हम ध्यान से देखें तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके अंदर अगर मेहनत और जुनून की आग लगी हुई है और अगर वो किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए तो वो कारण सिर्फ पिछले कुछ महीनों की पढ़ाई का है। या तो उनका इंटरेस्ट कम रह गया, नहीं पढ़ पाए, तबीयत खराब हुई, या XYZ कोई भी रीज़न रहा, लास्ट टाइम पे ज़्यादा ही होता है, जिस भी वजह से वो नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मेहनत और जुनून में कमी है। अगर उस मेहनत और जुनून के साथ वो अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं जहाँ हमारी सरकार भी इस चीज़ को फेवर कर रही है, तो मैंने अपनी लाइफ में पिछले 30 से ज़्यादा सालों की जर्नी में हज़ारों स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है और वो आज US में, यूरोप में, लंदन में, जापान में ऐसे ऐसे लेवल पे एस्टेब्लिश होके वापस इंडिया आए हैं और उन्होंने इतनी लेवल के रिसोर्सेज इंडिया में डेवलप करें जो शायद IITian और एम्स के डॉक्टर भी ना कर पाए। तो ये सब आपके अंदर का जुनून है, अगर अंदर आग लगी है कुछ करके दिखाना है तो इतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो शायद इंजीनियरिंग मेडिसिन से कई गुना बड़े बन जाते हैं। तो वही कोशिश रहेगी कि बच्चों को उसी तरह के करियर ऑप्शंस की तरफ सभी इंस्टीट्यूट मोटिवेट करें, और अगर ए ऑप्शन नहीं हो पाता है तो बी ऑप्शन को रखना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना। सर, एक चीज़ और है, जैसे बच्चा कोटा आता है मैं देखता हूँ कि ड्रॉपर बनता जाता है, 3-4 साल प्रिपरेशन में दे देता है, कब तक ड्रॉप लेना चाहिए? मेरी ओपिनियन में एक से ज़्यादा ड्रॉप लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि चाहे IIT की तैयारी हो या नीट की तैयारी हो, एक बार में आप अपने मुकाम को ईमानदारी से मेहनत करके हासिल कर सकते हैं। मैं जिस भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के साथ आज तक रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को जनरली एक बार आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद एक ड्रॉप से ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया। ये पॉसिबल है 12वीं के साथ बच्चा कहीं अपने गांव में कोचिंग कर ही नहीं पाया हो और लेट आया हो तो उसको हम ड्रॉप नहीं मानते, उसको फ्रेशर ही मानते हैं जब पहली बार तैयारी कर रहे हैं। सर, कोटा के स्टूडेंट को आप क्या टिप्स देना चाहोगे अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोटा के स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ कोटा के एनवायरनमेंट में है, तो उनके लिए टिप यही है कि वो एक ऐसे आश्रम में तपस्या करने आए हैं जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, तो जहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिस कोचिंग और जिस टीचर से जुड़े हैं उन पे पूरे ट्रस्ट के साथ, उनको अपने हथियार की तरह से यूज़ करें और अपनी जान लगा के कोटा के सिस्टम के साथ मेहनत करें। मुझे थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आज कोटा में रह के बच्चे
कोटा के सिस्टम पे कई बार ट्रस्ट नहीं करते और यूट्यूब और बाकी चैनल से तैयारी कर रहे हैं जो अपने घरों से की जा सकती है। अगर आप कोटा में हो तो पूरी जान यहाँ के सिस्टम पे लगाओ, ये सिस्टम आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाने के लिए सक्षम है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, जब भी अपनी तैयारी पर डाउट होता है तो स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।